देश में घातक कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी कोविड-19 की दूसरी लहर का जिम्मेवार इसके डेल्टा वेरिएंट को बताया गया है, जो अल्फा वेरिएंट से भी अधिक संक्रामक है। दरअसल वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की दूसरी वेव के पीछे कारणों पर अध्ययन किया और यह निष्कर्ष निकला। बता दें कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी NCDC और INSACOG भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग करने वाली लैब्स का संघ के अध्ययन के अनुसार B1.617 वेरिएंट व इसका ही रूप B1.617.2 शुरू में संक्रमण के मामलों में अधिकता का जिम्मेवार था। ये अल्फा वेरिएंट B1.1.7 से 50% अधिक संक्रामक है। डेल्टा वेरिएंट भारत में प्रमुख संस्करण है और यह देश में चिंता का विषय बताया गया है। अब तक इससे 12,000 से अधिक मामले पाए गए हैं। अध्ययन के अनुसार कोरोना वैक्सीन की खुराक लेने के बावजूद इस वेरिएंट के संक्रमण का खतरा अधिक है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के 12,200 से ज़्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। डेल्टा वेरिएंट वैसे तो सबसे अधिक राजधानी दिल्ली में है, लेकिन यह देश के करीब करीब सभी राज्यों में है। इससे संक्रमण के मामले आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना में आए हैं। कोरोना वैक्सीनेशन के बावजूद डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण का खतरा बरकरार रहता है। जहां तक अल्फा वेरिएंट कोरोना वायरस से वैक्सीनेशन के बाद खतरा नहीं के बराबर है, क्योंकि ऐसा मामला अब तक सामने नहीं आया है। महामारी की दूसरी लहर से बात स्पष्ट है कि डेल्टा ने अब तक के सभी वेरिएंट को पछाड़ दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।